गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतुष्टि रावत ब्लॉग में। तो आज है शनिवार और हम जा रहे हैं आज मंदिर। और आज का ब्लॉग मैं सैटरडे इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारा काम करना पड़ा और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं मोबाइल पकड़ के ब्लॉगिंग करती। तो मुझे अब मिला है टाइम क्योंकि बाहर जा रहे हैं, तो बाहर का मंदिर का दिखाऊंगी। और कल कुछ फंक्शन है मेरे घर पे 5 तारीख को, तो ज़रूर आप इनवाइटेड हैं। और मेरी लाइव भी चलेगी उसमें, अगर जो भी मेरी इस वीडियोस को देख रहा है तो प्लीज़ लाइव ज़रूर मेरी ज्वाइन कीजिएगा। 10 जब भी ज्वाइन करूँगी, मतलब लाइव करूँगी, तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरी लाइव इस बार लाइव देख के, क्योंकि सत्यनारायण की कथा वगैरह चलेगी, घर में पूजा है। और जो भी न्यू मेंबर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं उनका वेलकम है, तो ज़रूर आइएगा मेरे चैनल पे और वीडियोस देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मैं मंदिर जाती हूँ। देखिए हम जा रहे हैं पार्क, हमारा पार्क आ गया। और देखिए हमारी सोसाइटी एकदम से एकदम लाइटिंग लाइटिंग। और मैं जा रही हूँ अभी की दादी माँ जी के साथ। आज माँ जी को भी पहली बार मंदिर लेके जा रही हूँ क्योंकि माँ जी को मंदिर नहीं लेके गए थे, तो शनिवार के दिन ही मैं मंदिर जाती हूँ, तो मैंने सोचा माँ जी को भी लेके जाऊँ मंदिर। ये है माँ जी। हेलो हेलो करो, हेलो करो, क्या क्या करना है? तुम हेलो कर दो सबके। हेलो मेरी माँ, मैंने अपनी सास माँ से बोला कि हेलो कर दो, हमारी माँ जी कह रही है किसको हेलो करनी है अभी उनको भी नहीं पता है। आप सभी को हेलो करनी है, जो जो हमारी वीडियोस देखेगा ना उनको हेलो करनी है, वो सब देखेंगे तो वहाँ से आपको नमस्ते भेजेंगे। तो सभी मेरी सासू माँ को एंड मेरी माँ जी को सब नमस्ते बोलना क्योंकि अभी उनको भी नहीं पता कि मतलब ये लोग क्या करते हैं, इसलिए तो ऐसे ही पता चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो दादी भी रोज़ बोलती है पता नहीं क्या फ़ोन पे लगी रहती है जब देखो, क्योंकि मैं वीडियोस देखती हूँ, लाइव आती हूँ, तो धीरे धीरे ही पता चलेगा दादी उनको भी। और वीडियोस मेरी देखते हैं उनको पसंद आती है। देखो हमारी सोसाइटी कितनी जगमग जगमग कर रही है। और अभी बाहर का दिखाऊँगी आप लोगों को कि बाहर का व्यू कैसा है रोड का। आज देखो मैंने टोपी नहीं पहनी, सब लोग मुझसे हमेशा बोलते हैं कि टोपी पहन के जाती हो, पर आज मैंने टोपी निकाल दी है। फ्रेंड्स फिर मत बोलना कि मैं टोपी पहनती हूँ ज़्यादा, तो आज मेरी टोपी निकल चुकी है क्योंकि आज मौसम ठीक है, ठंडा नहीं है। तो चलिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा गेट और गाड़ियों की एंट्री हो रही है। और ये देखिए ये है हमारा दूसरा गेट जहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं, उधर से गाड़ियाँ अंदर आती हैं। और ये देखिए यहाँ पर सब गेट गार्ड वगैरह बैठे हुए हैं। और ये देखिए हमारे बाहर का व्यू रात का, नाइट का, गाड़ियाँ एकदम आ रही हैं जा रही हैं। गौ माता भी है हमारे यहाँ पे, गौ माता भी हमेशा रहती है और गाय माता का बच्चा भी है। वो देखिए गाय माता का बच्चा छोटा सा, कितना प्यारा लग रहा है। आप फर्स्ट टाइम देखा हमने गौ माता, और गौ माता की बेबीज बच्चा। हाँ तो देखो कैसे दूध पी रहा है चोरी चोरी। ये देखिए आज तो चंदा मामा भी एकदम से आ चुके हैं। देखिए कितना सुंदर व्यू है हमारे सोसाइटी के पीछे का, आप देख सकते हैं। दिल का भंवर करे पुकार। और मैं जा रही हूँ मंदिर, तो मैं एक भजन गाते हुए जाऊंगी, भजन गाते हुए जाऊंगी मंदिर। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाइन का भजन। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। और देखिए हमेशा की तरह यहाँ पे बिल्कुल रोड के किनारे पे खाने के स्टॉल लगे हुए हैं, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। और अभिनव का आज स्कूल में फेयरवेल है, तो अभिनव अभी नहीं आए, नहीं तो अभिनव भी यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ खाते हैं। टिक्की हो गई, पाव भाजी हो गई, एक उधर लगा हुआ स्टॉल है, उधर भी लगा हुआ है।
प्लीज़ जो भी न्यू मेंबर मेरी इस वीडियो से जुड़े हैं, वीडियोस को देखते ही वीडियोस पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए मैं मंदिर आ चुकी हूँ और देखिए यहाँ कितनी भीड़ आती है मंदिर में। मंदिर में लाइन भी लगी हुई है। थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी, हमेशा मैं मंदिर का दिखाती हूँ आप लोगों को। राम जी से पूछो जनकपुर के नारी बता दे तो ये देखिए यहाँ पे हम इन्हीं थालियों में से एक थाली ले लेते हैं पूजा के लिए, और इधर लगे हुए हैं तुलसी के दिए वगैरह, और यहाँ लगे हुए हैं पीपल के पेड़ के नीचे दिए, और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। और ये देखो हमने ले लिए थाली, दो दिए, एक पीपल पे चल लगाएंगे और एक मंदिर पे लगाएंगे। और देखिए मैं हमेशा श्री शनि देव चालीसा पढ़ती हूँ, तो चलिए मैं पढ़ती हूँ इसको और फिर आपसे बात करती हूँ। देखिए राजा शीशे का।
बहुत हवा इस समय। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि एक मिनी व्लॉग बनाया मैंने छोटा सा, क्योंकि मॉर्निंग से बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था मुझे वीडियोस बनाने का, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा व्लॉग ही बना लूँ इस समय रोड का, तो मैंने इस समय का ही व्लॉग बनाया। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप लोगों का मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ वीडियो अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं 5 तारीख के व्लॉग में। तो बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए एंड स्वस्थ रहिए।